एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाए जाने वाले ढोल लुढ़क कर जंगल में चले जाते हैं और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाते हैं। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की डाली ढोल पर पड़ती तो डमाडम डमाडम की आवाज आने लगती थी। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक से उसकी नजर गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। सियार उसका शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वो खरगोश पर झपट्टा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर फंसा कर भाग जाता है। किसी तरह सियार गाजर मुंह से बाहर निकाल कर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज सुनाई देती है। वो ढोल की आवाज सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज नहीं सुनी है। जहाँ से ढोल की आवाज आ रही थी, सियार उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि किस जानवर की उड़ने वाला या चलने वाला है। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो डम की आवाज आती है, जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ मिनटों बाद किसी तरह की प्रक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से डम की आवाज आती है तो वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है तो ढोल किसी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल के बीच से फट जाता है और ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर सियार अपनी भूख शांत कर देता है। सियार और ढोल की कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज का एक निर्धारित समय होता है जो हमें चाहिए होता है और वह तय समय पर मिल ही जाता है।